ग्वालियर में पानी सप्लाई के टेंडर मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने घोटाला मामले में शिकायत के बाद की गई जांच के आधार पर नगर निगम की पीएचई शाखा के पूर्व कार्यपालन यंत्री पर एफआईआर दर्ज किया। शहर के जल प्रदाय टेंडर में हेरफेर हुई है, 90 लाख का घोटाला करने का आरोप लगा है और इसी के चलते पीएचई शाखा के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएन करैया पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि 18 करोड़ के पीएचई घोटाले में पहले से ही आरएन करैया जेल में बंद है और अब इस नए घोटाले के बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। 2000 में ईओडब्ल्यू को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार नगर निगम में तत्कालीन पदस्थ कार्यपालन यंत्री करैया जी के खिलाफ थी। उस समय एक योजना चल रही थी, जो पुराने बोर थे उनको गहरे किए जाके उनमें मोटर वगैरह डला के उनमें जल प्रदाय योजना का मामला था। तो उसमें प्रारंभिक तौर पर जब जांच की गई तो बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई और कुछ ठेकेदारों को जो अनुबंध किए गए थे उनमें कुछ कूट रचना जैसी चीज़ें भी प्राथमिक तौर पर सामने आई थी। तो उसके आधार पर जांच पूरी करके और उसमें अपराध के लक्षण पाए जाने पर प्रथम सूचना दर्ज की गई है।